तो फाइनली दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इंडियन बाइक्स डायमंड 3D गेम की एक और न्यू मजेदार वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडियन बाइक्स डायमंड 3D गेम का जो न्यू अपडेट आ चुका है और इस न्यू अपडेट से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट भी आप लोगों ने हमें कमेंट कर बताए थे, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो उन सभी मिथ्स को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इंडियन बाइक्स डायमंड 3D गेम से रिलेटेड ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहती है। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला। तो हमारा सबसे पहला मिथ है कि लास्ट चेंज व्हेन वी कलर हाउस इन एनी कलर देन द शोरूम कलर आल्सो बी चेंज्ड। तो भाई ये बंदा कहना चाहता है कि जैसे हम लोग जो अपने हाउस का कलर चेंज करेंगे तो वैसा ही कलर जो हमारे शोरूम का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी कि हम अपने हाउस का कलर चेंज करेंगे तो शोरूम का भी अपने आप कलर वही चेंज हो जाएगा। तो अभी आ चुका हूं अपने शोरूम के पास और अभी यहाँ पर जब अपने RGS टूल में लिखने वाला हूँ हाउस कलर चेंज, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर अपने हाउस का कलर चेंज करेंगे तो हमारे हाउस का भी कलर चेंज होगा और उसी के साथ साथ हमारे शोरूम का कलर भी चेंज होना चाहिए। तो अभी मैं लिखता हूं यहां पर हाउस कलर, क्या लिखूं, पिंक लिख देता हूं, हाउस कलर पिंक। लेकिन यार इसके अंदर पिंक है या नहीं, चलो ये भी ट्राई कर देख लेते हैं, ये भी पता चला जाएगा कि इसके अंदर पिंक है या फिर नहीं है। तो मैंने लिखा हाउस कलर पिंक और ये नहीं भाई, पिंक कलर नहीं है, ये भी पता चल गया। तो अभी मैं लिखता हूँ हाउस कलर रेड और रेड कलर हमारे RGS टूल के अंदर ऐड है, ये तो मुझे पता है। तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाउस कलर रेड, रेड कर देता हूँ और अभी देखता हूँ क्या ये भी रेड होता है। जैसे मैं हाउस कलर रेड लिखता हूँ, अरे भाई ये देखो सच में ये कलर भी रेड हो गया, यानी कि हमारे हाउस का कलर भी रेड हुआ और उसी के साथ साथ हमारे शोरूम का कलर भी रेड हो चुका है। मैंने अभी आपके सामने लिखा था RGS टूल में हाउस कलर चेंज, न कि शोरूम कलर चेंज, और हमारे हाउस का कलर जैसे चेंज लिखा तो वैसे ही हमारे शोरूम का कलर भी चेंज हो गया, यानी कि ये मिथ कन्फर्म है। तो चलो अभी देखते हैं हमारा दूसरा मिथ। तो हमारा दूसरा मिथ है कि हम लोग जैसे ही 4x00 वाली बाइक और फ्यूल टैंक को हमारे ट्रक के अंदर रखेंगे तो हम उसे रख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही ट्रिक है जो कि हमारे न्यू अपडेट के अंदर ऐड किया गया है। तो मैंने अभी इस ट्रक को बुला लिया है, तो अभी इसके अंदर मैं बुला लेता हूं अपने 4x वाली जो स्कूटी आती है उसको। ये देखिए हमारी स्कूटी भाई साहब इसके अंदर कितनी आसानी से आ चुकी है यार। अभी एक स्कूटी और बुलाता हूं, फिर जो मैं इसको ड्राइव कर देखूंगा क्या हम इसे ड्राइव भी कर सकते हैं और भाई फिर आएगा सही मजा। तो चलो अभी मैं इसके अंदर एक स्कूटी और बुला लिया हूं और अभी मैं इसको ड्राइव कर देखने वाला हूं। पहले देखते हैं भाई साहब ये कितनी ऑसम लग रही है यार। अभी देखो मैं इसको चलाकर ड्राइव कर और देखता हूं। तो ये गया मैं और अभी बैठता हूं ये, अरे भाई अरे क्या हो गया, ये कैसा ग्लिच हो गया भाई। ये देखो स्कूटी के अंदर आकर बैठ गया भाई, दरवाजा उसका भी खुला लेकिन इसके अंदर आकर बैठ गया। अभी मैं इससे नीचे उतरता हूँ फिर वापस वहां पर जाकर देखता हूँ। अरे भाई बच गया, मैंने सोचा एक बार वर्ल्ड में चला गया। अभी यहां पर जाता हूँ और हाँ, अरे भाई ये क्या, अरे भाई कहां पर जा रहा हूं मैं, ये भाई सच में ही वर्ल्ड में चला गया इस बार। तो यार कुछ ग्लिच तो हुआ नहीं लेकिन भाई मैं पता नहीं कहाँ चला गया। तो अभी मैं इस मिथ को फिर से दोबारा से ट्राई कर देखने वाला हूँ। तो मैं फिर से जो अपना वो ट्रक बुला लेता हूँ और अभी मैंने वो ट्रक को बुला लिया। अरे भाई अरे बाइक कहाँ से आ गई, 3x00 और अभी हमारा ट्रक आ चुका है। और अभी मैंने जो अपना ट्रक को बुला लिया है और अभी इसके अंदर मैं फिर से अपनी स्कूटियों को बुला लूंगा और स्कूटी को बुलाने के बाद अभी मैं इसको ड्राइव भी कर देखने वाला हूँ कि प्रॉपरली चलती है या फिर नहीं चलती है भाई, या क्या पता इसके अंदर ज़्यादा वजन हो जाए तो ये चले या फिर ना चले। तो अभी मैंने दूसरी स्कूटी को भी बुला लिया है और अभी मैं चलता हूँ अपनी इसके अंदर। अभी भाई ध्यान रखना होगा कहीं ये बाइक को ना चले, नहीं नहीं अभी एकदम हाँ सही से गाड़ी को ही लिया है और अभी मैं जिससे अपनी गाड़ी को ड्राइव कर देखने वाला हूँ। तो चलो भाई और अभी फुल स्पीड के अंदर इसको भगाने वाले हैं। तो अभी मैं इसको जो फुल स्पीड के अंदर भगा रहा हूँ भाई साहब, ये देखो ये देखना भाई साहब, ये देखो आपस में चिंगारियाँ सी लग रही हैं इनके अंदर से, दोनों जब आपस में टकरा रही हैं। और अभी देखो भाई साहब फुल स्पीड के अंदर जा रहे हैं भाई, ये भाई गजब बोल रहे भाई, एक तोर ये गई भाई दोनों गई और भाई कुछ भी मज़ा आ गया और ये मिथ कन्फर्म है।